बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की मुखालफत में पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे लगभग पागल हो चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि बरतानिया में एक अखबार, और ये होता है, देखें जब भी कभी बड़े इलेक्शन आते हैं ना दुनिया में कहीं पर, या बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर इलेक्शन होते हैं, तो मीडिया भी डिवाइड होता है। कोई मीडिया साथ देता है एक तरफ का, कोई दूसरी तरफ का। ये पाकिस्तान में भी होता है। बड़े लंबे अरसे तक हम देख रहे थे कि ARY जो है वो PMLN के खिलाफ PTI का साथ देता था, दूसरी जानब जो जियो है वो नून लीग के साथ खड़ा होता था और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होता था। तो ये हम बड़े लंबे अरसे से ऐसे ही पूरी दुनिया में होता है। अब द गार्डियन ने, क्योंकि वहाँ पे ये बरतानवी अखबार है, उनका मीडिया है, वहाँ से बरतानवी उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो लाजमी बात है कि उन्होंने कुछ एंगल पेश तो करने हैं। हालांकि इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं जंगी जुनून में वो पागल थे, उन्होंने दुनिया को जंगों के अंदर धकेला है, ऐसे भी लोग हैं, और ये चीज़ें भी रिपोर्ट होंगी आने वाले वक्त में। बहरहाल द गार्डियन ने इमरान खान साहब के खिलाफ लिखा, कुछ चीज़ें उसमें ठीक भी लिखी होंगी, कुछ गलत भी लिखी होंगी, लेकिन हैरत की बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। किन बातों पे लिखा, जरा मैं आपके सामने वो बातें देख आपको दिखाता हूँ, फिर आप इनकी मुनाफ़कत देखें। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसके ऊपर ऐसे ही आवाज़ भी उठाई है। यानी अगर आप ये देखें कि वो क्या कह रहा है, एक्चुअली जो चंद बुनियादी चीज़ें उन्होंने कही हैं, वो कह रहे हैं जी ख़वातीन की आज़ादियों के इमरान खान साहब हक में नहीं है, उनके बारे में इनके स्टेटमेंट्स हैं जो इनको नहीं देने चाहिए थे। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन को सबसे ज़्यादा शेयर किसी ने सियासत में दिया तो वो इमरान खान साहब हैं। ये वाहिद पोलिटिकल लीडर हैं जिनके जलसे में सबसे बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं, और उन ख़वातीन की बेइज्जती करने के लिए नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर जो हैं वो उन ख़वातीन के करेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, ताकि उन ख़वातीन के घर वाले उन्हें उन जलसों में आने से मना कर दें। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब या उनके साथी क्यों उन ख़वातीन के करेक्टर पे अटैक करते हैं जो इमरान खान साहब के जलसे में आती हैं? ताकि वो डिस्करेज हों और पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना आप को हिस्सा ना बनाए, हालांकि अपनी बेटी को वो सियासत में लेकर आए हुए हैं। दूसरा, आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़वाया किसने, इमरान खान साहब ने ख़वातीन को टिकटें दी सबसे ज़्यादा। यानी दर्जन भर ख़वातीन को तो मैं जानता हूँ जिनको इमरान खान ने टिकटें दी कि जाकर इलेक्शन लड़ो, और उन्होंने जाकर इलेक्शन लड़ा भी, उन्होंने इलेक्शन जीते भी। सरताज गुल वज़ीर अभी भी असेंबली में, शानदाना गुलजार अभी भी असेंबली में, यासमिन राशिद नवाज शरीफ ने Farm 47 पर उनको हराया, परवेज लई की अहलिया कैसरा इलाही साहिबा वो भी इलेक्शन जीती हैं, जो रेहाना डार साहब हैं वो भी इलेक्शन जीती हैं। इन्होंने ख़वातीन को बड़ा बहुत बड़ा शेयर दिया हमेशा। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये खूबी है, और इसको मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब का, देखें हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एक कल्चर है, जब आप बात करते हैं तो उस कल्चर के मुताबिक बात करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई पर्दा करना चाहता है तो उसका वो अपना, उसकी अपनी ख्वाहिश है, वो अगर करना चाहता है तो। आप ज़बरदस्ती तो औरतों के कपड़े नहीं उतार सकते ना। अब फ्रांस के अंदर जब ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती की गई कि आप हिजाब नहीं ले सकती, तो इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत ही करनी थी। तो जनाब ये बातें जो वहाँ रिपोर्ट हुई वो तो ठीक है, इमरान खान साहब का कोई मुखालिफ करवा रहा है या हो रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारा मीडिया और हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। और किसको सपोर्ट कर रही है कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ, जो मलऊन है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके साथ इमरान खान साहब ने स्टेज शेयर नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब अच्छे आदमी नहीं है, उनको ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। अब ये भी पाकिस्तानी यहाँ पे भी खुशी मना रहे हैं, यानी गवर्नमेंट किस बात पे खुश हो रही है? वो एक पागल आदमी है, उसने लगभग कोई 1.9 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी तादाद है, उनकी दिलादारी की हुई है। इमरान खान तो वो आदमी है जिसने अक़वामे मुत्तहिदा में जाकर खड़े होकर कहा था कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हर मुसलमान के दिल को तकलीफ होती है, और ये आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर आप नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने बबांगे दहल पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ये बात की थी। तो एक ऐसे अजीबो गरीब आदमी के लिए, और पाकिस्तान में इस पर खुशी मना रहे हैं, इमरान खान साहब ने उसके साथ स्टेज शेयर नहीं किया, इस पर तो सबको चाहिए कि इमरान खान को अप्रिशिएट करें। और तो पाकिस्तान में से कोई नहीं कर सका ना ये हरकत, और तो पाकिस्तान में किसी में ज़रूरत नहीं हुई। वो जो मैक्रोन है फ्रांस का सदर, उसने जो सरकारी इमारात हैं उसके ऊपर वो कैरिकेचर्स लगवाए थे, खाके लगवाए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हमने वो विजुअल देखे ना कि वहाँ पे आपकी पूरी PDM की जो कैबिनेट है वो गई और जाकर उन्होंने उसके साथ मुसाफा किया, गले मिला, और उसके साथ एक रूम के अंदर बैठ के मीटिंग की
तो वो करेक्टर का फर्क है, ये नहीं कर पाएंगे। इमरान खान ने किया, ये नहीं कर पाते, उसके अंदर बड़ी जरूरत है। उसने कहा इसने सारी दुनिया के मुसलमानों की दिलादारी की है, मैं भाई इसके साथ नहीं बैठ रहा, बाइकआउट करना सबका हक है। तो बहरहाल इसके ऊपर भी ये लोग खुशियां मना रहे हैं, तालिबान के दोस्त ये कहा जा रहा है। तो इन्हीं तालिबान से मुजाकरात करके अमेरिका निकला अफगानिस्तान से। इमरान खान साहब पहले दिन से एक बात अमेरिका को समझाते थे कि आप यहां पे जंग नहीं जीत सकते, आप अपना भी नुकसान करेंगे, अफगानिस्तान का भी नुकसान करेंगे, इस जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको यहां से भागना पड़ेगा। और फिर अमेरिका उन्हीं तालिबान के साथ मुजाकरात करके, कतर के अंदर वो बैठते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, उनके साथ मुजाकरात के नतीजे में अमेरिका यहां से निकल कर गया, और ये सारे नेटो की फौजें उनके साथ ही वहां से निकल कर गई हैं। तो इसमें इमरान खान गलत क्या कहता था? और एक बात जो है वो चीन का साथ इमरान खान ने क्यों दिया, तो ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक एक बड़ा इशू भी है, और पाकिस्तान सी पैक पे काम भी कर रहा है। तो चीन को जब वो जुल्म कर रहा था उयूर मुसलमानों के खिलाफ, तो वो तो गलत था, उसको गलत को हमेशा गलत कहना चाहिए, लेकिन वो तो कभी किसी और सियासी जमात ने भी नहीं कहा, कोई पाकिस्तान में ये कह ही नहीं पाया, किसी ने ये कहा ही नहीं। और क्यों नहीं कहा? वो इसलिए कि पाकिस्तानी इस पर बात ही नहीं करते, कई चीज़ें ऐसी उन पर पाकिस्तानी बात ही नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इससे चीन नाराज़ हो जाएगा। सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी नहीं बात करते, पाकिस्तानी को लगता है वो नाराज़ हो जाएंगे। यूएई के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बातें हैं कि पाकिस्तानियों को वो बात करनी चाहिए, उसूलन तो करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बात नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये तो अपनी अपनी सबकी खारजा पॉलिसी है। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी बदस्तूर एक बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर इस इलेक्शन की दौड़ में मौजूद हैं, और इमरान खान साहब के जितने भी जानने वाले हैं या वहाँ पर जो बाखबर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जीतने के इम्कान अब तक की रेस में इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा हैं। हो सकता है वो इलेक्शन जीत जाए और वह कंपेन भी चल रही है, लेकिन आप ये देखें कि ये वो एलिगेशन हैं जिन पे पाकिस्तानी वहाँ भी इमरान खान साहब को बहुत प्यार करते हैं इनकी वजह से, कि यार कैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो बात ठीक लगती है वही करता है। इसमें यह भी लिखना चाहिए ना कि ड्रोन हमलों के खिलाफ इस शख्स ने खड़े होकर आवाज़ उठाई और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर उठाई, और अपने दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं होने दिया। जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पर सबसे ज़्यादा आवाज़ इमरान खान ने उठाई, इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा दुनिया में आवाज़ इमरान खान ने उठाई, पीस के लिए अमन के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ इमरान खान ने उठाई। भाई अभी ये मैं जानना चाहता हूँ ना कि बाकी जो लोग हैं उनका इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है, मैं जानना चाहता हूँ बाकी लोगों का फ़लस्तीन के बारे में क्या मौक़िफ़ है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो बाकी कैंडिडेट हैं उनका कश्मीरियों के बारे में क्या मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ जो है वो इस्लामोफोबिया के बारे में क्या है। तो इस तरह तो सब में कमियाँ निकल आएंगी, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट को, रियासत को, इदारों को, हुकूमत को, सियासी जमातों को और मीडिया को इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए था। वो छलांगे मार मार के इस आर्टिकल को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि इस आर्टिकल में कोई उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा दिए, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इमरान खान वाकई ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप के लिए मौजू है, इन चीज़ों की निशानदेही करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसके ऊपर फैसला सुना रहा है। बहरहाल करने दें इनको, होगा तो वही जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे। दूसरी जो बड़ी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि मुजाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हुकूमत के और अपोजिशन के। अब अपोजिशन बोले तो सिर्फ इमरान खान है, एक आदमी, तो इमरान खान ने मुजाकरात करने कैसे हैं? क्या इमरान खान ने हुकूमत से मुजाकरात करने या इमरान खान ने फौज से मुजाकरात करने? दो ही जगह हो सकते हैं ना, या तो फौज से मुजाकरात करें या हुकूमत से मुजाकरात करें। अब इसमें जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको ये बता दूँ। इसमें नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी माशी बहरान से निकलने के लिए तमाम सियासी क्यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। यानी नवाज शरीफ साहब को सांस चढ़ गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये वो नवाज शरीफ है जो कहते थे कि जनाब मैं आऊँगा पूरा मुल्क मैं गुले गुलजार कर दूंगा, ये वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तानियों का बोझ उठा लेंगे। ये बात इन्होंने की थी सन 2022 में कि हम आ रहे हैं। आज 2024 में 2.5 साल गुजरने के बाद इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मियां नवाज शरीफ ने, इनके भाई ने, इनकी बेटी ने और इनके साथियों ने मिलकर पूरे पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठाने के बाद अब ये बाकी सबको आवाज़ें दे रहे हैं भाई बेड़ा गर्क करने आप अकेले आए थे, कानून सारे आपने तब्दील कर दिया है, तसाब के NRO2 आपने ले लिया,
सियासी मुखालिफिन को आपने कुचल दिया, पाकिस्तान की मईशत को आपने तबाह कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपने नाराज कर दिया, इलेक्शन के अंदर बदतरीन धांधलियां, हर चीज का बेड़ा गर्क करने के बाद अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि आओ यार सारे बह के देखने की करना है। तो मियाँ साहब, अगर इतनी अकल और इतनी समझ नहीं थी तो पहले ही आप ये कह देते या पहले ही आप इलेक्शन में चले जाते। तो जाली हुकूमत बनाने की जरूरत आपको क्या पेश आई थी? यानी पहले तो आप बहुत छलांगे मारते थे कि मियाँ जो तो आवेगा लग पता जावेगा, भाई मियाँ आ भी गया तो पता भी लग गया पूरी कौम को। बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर इन्होंने, इन्होंने एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया इन्होंने, प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, आम आदमी मायूस हो गया पाकिस्तान से। 94% लोग कह रहे हैं कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी तक रसाई में या उनको खरीदने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 94% ऑफ द पाकिस्तानी, ये बैन अवी सर्वे हुआ है। तो आप नवाज शरीफ साहब आवाज़ें मार रहे हैं बोला सा मुँह बना के कि यार मेरे को ख़राब हो गया सारा, आओ मिल के ठीक करते हैं। ये है जी नवाज शरीफ साहब का कारनामा। अब उधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो भी कह रहे हैं जी पीटीआई समेत सबसे बात होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई क्या कह रही है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट है, बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का हमारा कोई इरादा नहीं है। वो अचक से ही साहब लगे हुए हैं, हुकूमत के साथ एंगेजमेंट होती है, पैगाम रसानी हो जाती है, लेकिन बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्जुमान का है, और वो ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत अहम है, उनका तहरीके इंसाफ और फौज में डेडलॉक मजीद ना रहे, ये सियासत के मफाद में है। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि उम्मीद है कि पीटीआई और फौज में डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा, इस वक्त फौज और पीटीआई में बातचीत अशद ज़रूरत है। उनका फौज और पीटीआई में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए, पीटीआई हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है, हमारे दरवाजे खुले हैं, फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैंडेट हकीकी लोगों के पास जाना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्हीह की जाए। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में अब नहीं लाना चाहते, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है, इस वक्त ताकत हुकूमत के पास नहीं है बल्कि फौज के पास है, इसलिए हुकूमत नहीं फौज से ही बातचीत फ़ायदेमंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि बड़ी जमात और ताकतवर इदारे के दरमियान बातचीत ज़रूरी है, पीटीआई मैंडेट को तस्लीम करने की ताकत फौज के पास है, फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो हमने किया है, जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाए, 9 मई के शवाहद सामने लाए जाएँ तो माफ़ी मांगेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं का ज़ाती हैसियत में फौज से रबता है, ज़ाती रबते पीटीआई और मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात में मददगार होंगे, एस्टैब्लिशमेंट रबते के नतीजे में ही 22 अगस्त का जलसा हमने मनसूख किया था या मुलतवी किया था। फिर अगर सियासी जमातों से नतीजा निकले तो महमूद अचक से ही फौज से बात कर सकते हैं, यानी वहाँ से नतीजा निकलेगा तो फिर फौज के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, और हुकूमत अदलिया को ज़ेरे असर करने में कामयाब नहीं होगी, अदलिया की हमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती, अदलिया में खुद मुख्तारी साबित करने की एक लहर आई हुई है। अच्छा, ये बातचीत उन्होंने की, वो क्यों चाहते हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात हों? देखें आप गौर करें, अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो हुकूमत बेअसर है, हुकूमत बेइख्तियार है, हुकूमत के पास जाली मैंडेट है और उन्हें पता है कि वो मुज़ाकरात करेंगे तो घर चले जाएँगे, और वो चाहते हैं कि उनके जाली मैंडेट के ऊपर इमरान खान साहब ठप्पा लगा दें कि ये हुकूमत लिजिटिमेट है, उनकी तस्लीम कर दी जाए हुकूमत। दूसरा, हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, जो नकम्मापन है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने मुल्क का किया है, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम हो जाएगा जब आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत किसी भी एक मुतालबे को तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चाहती है ना मैंडेट वापस करो वो कर नहीं सकती, भाई जाली मुकदमा ख़त्म करो, हुकूमत का निंदा मुकदमे करवा सकती है ना छुड़वा सकती है, ये तो कोई और करता है, एस्टैब्लिशमेंट करती है, तो उन्हीं के बाद वो जाना चाहते हैं। फिर अगर फौज के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो देखें, अगर पीटीआई डील करती है फौज के साथ जैसे पीडीएम ने डील की थी तो पीटीआई फारग हो जाती है, फिर उनकी मुकबलियत को वैसे ही चोट लगती है जैसे पीडीएम को चोट लगी थी, मगर चंद चीज़ों पर वो हमेशा से बात करना चाहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, वो ये कहते हैं जी कि जाली मुकदमा ख़त्म कर दें, 9 मई पे कमीशन बना दें, तहकीकत करने जिम्मेदारान हैं उनको सजा दें, मैंडेट जो है वो हमारा वापस मिल जाए, चाहे वो अदालती कार्रवाई के जरिए मिले, चाहे नया इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान में, और वो आइन की बहाली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं,
और फौज का सियासत के अंदर से किरदार माइनस करना चाहते हैं, वो चाहते जी आपका किरदार ना रहे सियासत के अंदर, तो इसलिए वो कहते हैं हमने फौज से ही बात करनी है जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है। अब ये पीटीआई का मौकफ है। दूसरी तरफ जो है वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात के भी कुछ हामी लोग हैं, वो ये कहते हैं सियासतदानों को एंगेज करें ताकि सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ना किसी तरह इस नतीजे पर पहुंचे कि अब आगे बढ़ना कैसे, और आगे जो है वो पब्लिक का एक फ्रेश मैंडेट आपको चाहिए होगा जो मुझे समझ आ रही, या फिर जिसका मैंडेट है उसको वापस दिया जाए। नादरी वो जो कराची यूनिवर्सिटी वाला मामला था उसके अंदर थोड़ी सी फर्दर डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी उसमें जज साहब की डिग्री मनसूख कर दी गई है। ये तो नहीं बताया गया जज साहब कौन है, लेकिन खबरों में ये चला कि जज साहब, अब अमूमी तासर ये है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही है, और जो एक मेंबर ख़ास तौर पर सारे मामले को जानते थे और हाईलाइट कर रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बड़े भोंडे किस्म की बात की, दो चार साल पहले इनके पास एक मुकदमा था काफ़ी पहले, वो इसमें बाइज्जत बरी हो चुके थे, हमें पता नहीं चला, हमने फिर चुक लिया, उन्होंने सबूत दिए हमने छोड़ दिया। तो पुलिस को तो गालियां पड़ रही कि ना आप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने इनको इसलिए उठाया कि सिंडिकेट की मीटिंग थी, आप नहीं चाहते थे उसमें शामिल हों, लिहाजा जब वहां से फैसला करवा लिया गया कि जज साहब फारिग तो फिर इनको आपने छोड़ दिया। अब यह मामला कहां जाएगा, अदालत में जाएगा। अदालत में कहां जाएगा, हाई कोर्ट्स में जाएगा। हाई कोर्ट में क्या होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर वो सही जजेस लगेंगे जो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलेंगे तो यूनिवर्सिटी को लेने के देने पड़ जाएंगे, और अगर दूसरी तरफ मामला चला गया तो फिर ये मामला लटक के इवन जज साहब के खिलाफ भी हो सकता है। कैसर बंगाली साहब हैं जी, इनको बड़े जोश और जज्बे के साथ शामिल किया गया था, ये बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में लोग जो भी इकोनॉमी को जानता है वो इनको जानता है। कैसर बंगाली साहब, मैंने इनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं माजी में, और इनको मईशत के बारे में बहुत पता है। तो कैसर बंगाली साहब ने इस्तीफे दे दिए अपनी तमाम नशस्तों से, या जितने भी उनको वो अहदे मिले हुए थे वो तमाम अहदे कैसर बंगाली साहब ने छोड़ दिए। क्यों छोड़े, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं कर रही, वो कह रहे हैं जी हमने बड़ी मेहनत के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को स्टडी करने के बाद, तीन कमेटियाँ थी जिनके अंदर मैं मौजूद था, और बड़ी मेहनत करके सारे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तीन चार इस्तीफे उन्होंने इकट्ठी दे दिए अपने। वो कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल से हमने सारा सेटअप जो बनाया, जो हुकूमत को हम देते हैं वो कहते तो हैं, काम भी बड़ी मेहनत से किया, लेकिन हुकूमत अमल दरामद नहीं करती। हुकूमत करती ये है कि छोटे छोटे मुलाजमीन को निकाल देती है नौकरियों से और अफसरों को नहीं निकालती। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हमने तजावीज़ दी कि 70 सरकारी इदारों का और 17 कॉरपोरेशंस का जायदा लेकर हमने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और हमने ये कहा था कि बड़े मुलाजमीन को अगर आप निकालेंगे तो आपके अरबों रुपए बचेंगे। यानी उन्होंने कहा कि अगर महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए जो गैर जरूरी हैं तो सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम हो जाएंगे। यानी जो गैर जरूरी अफसरान जो बड़े महकमों के अंदर बैठे हुए हैं बड़े अफसर, वो 30 अरब रुपए सालाना के पाकिस्तान को पढ़ते हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, जबकि हुकूमत क्या कर रही है वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक छोटे 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 जो मुलाजमीन हैं जो अफसरान हैं उनको निकाली जा रही है। अच्छा, उसकी वजह से बजाय इसके फ़ायदा हो पैसे बचें बल्कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, मईशत तबाही की तरफ जा रही है, और इस वक्त उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत वेंटिलेटर पर है, और उन्होंने इंकशाफ किया कि माशी सूरत हाल की वजह से IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं है, जबकि महंगाई की वजह से शहरियों का घरेलू बजट तबाह हो चुका है और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 23 लोगों ने खुदकुशी की है पंजाब में हाल ही में। अगले वीलॉग में बताता हूँ, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।